लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में अफस्पा हटाने, आर्टिकल 370 और 35A जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में प्रधानमंत्री ने जवानों की सुरक्षा का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर में फिलहाल अफस्पा हटाए जाने की संभावनाओं से साफ इनकार कर दिया। तो आप अफस्पा को कैसे देखते हैं, क्या कोई एक टाइम बाउंड वे में उसको वो किया जाएगा? देश में पहले ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि अफस्पा की जरूरत ही ना पड़े। जैसे हमने अरुणाचल में परिस्थिति पैदा की तो कुछ जिलों से हमने हटाया, हमने कुछ राज्यों में से हटाया। 1980 के बाद पहली बार हटाने का काम हमने किया है, लेकिन कानून को तो बनाए रखा है। सरकार के पास हथियार तो होना ही चाहिए ताकि जवानों को एक सुरक्षा मिले, तब जवान मोरली लड़ सके। और जम्मू कश्मीर में से हटाने का मतलब होता है कि हमने हमारे जवानों को फांसी के तट पर लटका देना। मैं देश के जवानों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी हमेशा आर्टिकल 35A और 370 को हटाने की बात करती रही है, आज भी आपने मैनिफेस्टो में इसकी बहुत जोरों से बात करी है। जैसे ही आपका मैनिफेस्टो आया, विपक्ष के दल टूट पड़े ये बोलने के लिए कि अगर ऐसा होगा, कश्मीर के कुछ पार्टियों ने ये तक बोला कि अगर ऐसा होगा तो ब्लड बात हो जाएगा, किसी ने सेसेशन की बात करी, फारूक अब्दुल्ला जी ने कुछ कहा, महबूबा जी भी कुछ कह रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कश्मीर की समस्या की जड़ में वहाँ बन बैठे हुए 550 पॉलिटिकल परिवार है। ये सारी मलाई इतने साल इन्हीं कुछ परिवारों ने खाई है। कश्मीर के सामान्य मानवी को कोई भी फायदा ही पहुंचने ही नहीं देते हैं और इस प्रकार के इमोशनल इश्यू बनाकर के अपनी राजनीति चला रहे हैं। इन दिनों भारत सरकार की तरफ से हवाला वगैरह के विषय को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह वहां काम कर रहा है, करप्शन के खिलाफ कुछ काम कर रहा है। आप हैरान हो जाएंगे, आतंकवादियों के घटना के समय पाकिस्तान से पत्थर पैसा लेकर के पत्थर मारने वाले तो आ जाते हैं, लेकिन जब NIA के द्वारा या इनकम टैक्स के द्वारा रेड पड़ती है, भ्रष्टाचारियों पर कदम उठाए जाते हैं, तो वही नागरिक वहाँ बाहर खड़े रह करके ताली बजाते हैं। इसलिए कश्मीर की सामान्य मानवी इन लोगों से मुक्ति चाहती हैं जिन परिवारों ने 50 साल से कब्जा किया हुआ है, और इसलिए कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि वहाँ की जनता ही अब बदलाव चाहती है, चाहे वो 370 का मामला हो, 35A का मामला हो। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संदीप बोल। सबसे पहले रिफत के पास चलते हैं। रिफत, प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि अगर अफस्पा हटाया तो ये जो सेना है उसको सीधा सीधा फांसी के तख्ते पर लटकाना जैसा होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है उसको हटाने की मांग लगातार यहाँ की पार्टीज़ कर रही हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP हो। इन्होंने एक इलेक्शन मुद्दा भी बनाया था कि अफस्पा को हटाएंगे अगर वो पावर में आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, 2003 से लेकर 2009 तक यहाँ पे सिचुएशन बेटर थी, मिलिटेंसी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी और साउथ कश्मीर में कोई मिलिटेंसी थी नहीं। लेकिन 2009 के बाद मिलिटेंसी फिर से शुरू हुई और आज ये वक्त है कि बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी है साउथ कश्मीर में। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से कहा कि यहाँ पे अगर अफस्पा को हटाया जाएगा तो वो सीधे सूली पे चढ़ाना होगा फौजी जवानों को या सिक्योरिटी फोर्सेस को, तो ऐसे में यही जस्टिफिकेशन हो सकती है कि यहाँ पे अभी भी मिलिटेंसी है और ख़ास तौर से साउथ कश्मीर में बहुत ज़्यादा मिलिटेंट्स की तादाद अभी भी है। लेकिन यहाँ पर यह डिमांड रही है मेन स्ट्रीम पार्टीज़ की और अलगावादी नेताओं की कि यहाँ पर आर्मड फोर्सेज स्पेशल पावर्स को हटाया जाए। लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है अब, यहाँ पर मेन स्ट्रीम पार्टीज़ उस तरीके की मांग नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी नहीं है। तो ऐसे में जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिस्पांस रहा है कि यहाँ पे अफस्पा रिमूव नहीं होगा, तो आज प्रधानमंत्री ने ये क्लियर कर दिया कि किसी भी सूरत में इन हालात में वो ऐसा होने नहीं देंगे। तो उनका साफ कहना है कि आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट रहेगा और फिलहाल उसको हटाया नहीं जा सकता है, जब सिचुएशन सामान्य हो जाएगी उसके बाद ही इस बारे में सोचा जा सकता है। बिल्कुल, और संदीप के पास चलते हैं। संदीप, जिस तरह से कश्मीर से आवाजें उठ रही थी, उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि हमें अलग प्रधानमंत्री की मांग की थी और उसको लेकर ये बयान आया था कि अगर इस तरह की बयानबाजी हुई तो वहां से 370 धारा को हटाना मजबूरी होगी, राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया था। अब प्रधानमंत्री मोदी का ये जो बयान आया है, तो किस तरह से देखते हैं आप इन सबको?
बिल्कुल, देखिए बीजेपी की तरफ से खास तौर पे की जो संकल्प पत्र है उसमें ये साफ किया गया है, और साथ ही खुद प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में सीधे तौर पर नेटवर्क 18 को ये साफ कर दिया है कि वहाँ पे अगर उनकी जो प्रतिबद्धता है वो ये है कि धारा 370 और 35A को जो है पूरी तरीके से उस पर जो हटाने की बात कही है। हालांकि कांग्रेस जो है इसको सीधे तौर पर नकार रही है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में सीधे तौर पर यह कहा है कि वो इससे बिल्कुल छेड़छाड़ करने वाली नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि एक स्पेशल स्टेटस है जो वहाँ के लोगों को दिया जाता है, लेकिन सिर्फ ये वहीं के लोगों को दिया जाता है, बाहर से कोई जाता है तो उसको जो है वहाँ इस तरीके की सुविधाएं नहीं मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री ने एक बात साफ कर दिया है कि उनकी प्रतिबद्धता जो है उसको वो पूरा करेंगे और उसको लेकर जो है अपना रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है। अगर हम लोग बात करें आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की, ये एक डिस्टर्ब एरिया एक्ट के तहत जो है जब आर्मी का और सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती की जाती है उस वक्त जो एक विशेष अधिकार दिए जाते हैं ताकि सेना जो है वहाँ पर अपने काम को अंजाम दे सके, और ऐसे में अगर स्पेशल पावर एक्ट को हटाने की बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि माहौल सुधरना बहुत ज़रूरी है। अगर माहौल नहीं सुधरेगा तो वहाँ के लोगों को जो है दिक्कतें हो सकती है। तो यही वजह है कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है वो मौजूदा जो हालात है उसको देखते हुए जो है फिलहाल स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन लोगों को जो है कह सकते हैं कि इससे दिक्कतें जो वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपोज करती रही हैं कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटना चाहिए, लेकिन अगर ये एक्ट हट जाता है तो सेना को वहाँ पर कार्रवाई करने में दिक्कत होगी, और जिस तरीके से आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है उसको जो है इसी के तहत जो है कोपअप किया जा सकता है। तो दो सीधे तौर पर जो चीज़ें जो कि लंबे समय से चुनावों का मुद्दा रही है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट और आर्टिकल 370, ये दो इशू पर जो है प्रधानमंत्री ने अपना राय साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी क्या चाहती है। बिल्कुल, और रिफत के पास वापस लौटेंगे। रिफत, सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नेहरू के वक्त ऐसी कुछ नीतियां बनाई गई हैं और जो कश्मीर के लिए बदहाली के जिम्मेदार हैं और उनमें रिन्यू किया जा सकता है अगर जरूरत पड़ी तो सीधा सीधा ये अफसपा में भी बोला गया है कि नहीं हटाएंगे और जो धारा 370 है उसमें रिन्यू करने की बात भी कही है प्रधानमंत्री मोदी ने। तो इसको कैसे देखा जाए कश्मीर की राजनीति के तौर पर? हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं, दफ़ा 370 हो या आर्टिकल 35A हो, वो राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, न सिर्फ कश्मीर घाटी में बल्कि पूरे मुल्क में, क्योंकि उस पार से जो है ख़ासतौर से जो बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट्स हैं वहाँ पे बीजेपी का साफ ये कहना है कि धारा 370 को हटा दिया जाएगा, 35A जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जितनी भी पार्टीज़ हैं ख़ासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो या इवन कांग्रेस हो, वो ये कह रही हैं कि दफ़ा 370 नहीं हटना चाहिए, 35A जो है वो नहीं हटना चाहिए। यहाँ पर वो उसी चीज़ पे वोट हासिल करने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, और ख़ास तौर से अगर हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स की भी बात करें, जो सजाद लोन लेड पीपल्स कॉन्फ्रेंस है या इंजीनियर रशीद इस वक्त कैंपेनिंग कर रहे हैं बारामुल्ला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उनका मुद्दा ही यही है कि वो 370 का दिफा करेंगे अगर वो पार्लियामेंट में जाते हैं या 35A का दिफा करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर भी इसी चीज़ पर राजनीति की जा रही है, और बीजेपी का तो क्लियर स्टैंड है कि वो 370 को हटाना चाहते हैं और 35A को भी हटाना चाहते हैं। जिस तरीके से कल मैनिफेस्टो आ गया और मैनिफेस्टो में भी ये साफ कहा गया है कि आर्टिकल 370 पे जो उनका स्टैंड है कि ये हटना चाहिए, तो वो बरकरार है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इन मुद्दों पे राजनीति हो रही है, और यहाँ पे आज पीडीपी ये भी कह रही है कि वो आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने की बात कर रही थी, जो हालांकि एजेंडा ऑफ अलायंस जो बना था पीडीपी और बीजेपी के दरमियान, और उनका ये कहना है खासतौर से महबूबा मुफ्ती हर स्पीच में यही कह रही है कि उन्होंने बीजेपी को ये कहा था कि आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स हटना चाहिए, चूंकि बीजेपी को नहीं मंजूर था तो इसीलिए बीजेपी ने इस सरकार को तोड़ दिया, ये अलायंस खत्म की, क्योंकि बीजेपी नहीं चाह रही थी कि आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटे, लेकिन एजेंडा ऑफ अलायंस में साइन हुए थे, एग्रीमेंट हुआ था दोनों पार्टियों के दरमियान, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती क्लेम कर रही है। लेकिन बीजेपी का स्टैंड पहले से ही ऐसा रहा है कि वो 370 को हटाएंगे या 35A, जिस तरीके से अब पिछले एक दो साल से जिस तरीके से कोर्ट में ये मामला चल रहा है, और उसके बाद ये भी एक राजनीति का मुद्दा बन गया है, और हर कोई राजनेता जो है वहाँ पर भी 35A की बात कर रहे हैं, वो हटाने की बात कर रहे हैं, और कश्मीर में उसको बचाने की बात की जा रही है। अगर पूरे कश्मीर वादी में बात करें, चाहे वो अलगाववादी नेता हो, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हो, उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, और जितने भी यहाँ के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो किसी भी सूरत में जो है इसका दिफा करेंगे। तो वो यहाँ पे लोगों के वोट इसी चीज़ पे आज हासिल कर रहे हैं कि वो अगर पार्लियामेंट में जाएंगे तो वो 370 को बचाने की या 35A को बचाने की कोशिश करेंगे। राजनीति है, लेकिन जिस तरीके से आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की एक क्लेम स्ट्रांग होती जा रही थी, लेकिन जब से हालात खराब हो गए तब से ना ही महबूबा मुफ्ती ने उतनी ज़्यादा उस पे बात की और ना ही उमर अब्दुल्ला ने इस चीज़ पे ज़्यादा बात की।
बिल्कुल, और देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान कश्मीर की राजनीति पर क्या असर डालता है। तमाम जानकारी के लिए रिफत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2019 की राजनीति बदलने वाले सबसे बड़े इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने मायावती पर बड़ा हमला बोला और उनके बयान पर धर्मनिरपेक्षता का झंडा बुलंद करने वालों की चुप्पी पर भी हैरानी जताई। मायावती जी ने ओपनली मुस्लिम्स को वोट, मुस्लिम से वोट मांगे, कहा कि सिर्फ गठबंधन को वोट दीजिएगा, वोट बटना नहीं चाहिए, उसके रहते वो इसी की नजर में भी आ गए। ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं? लगातार पराजय के कारण हताश हुई मायावती जी इस प्रकार की बात कहे, इसे मैं बहुत स्वाभाविक मानता हूँ। मुसलमानों को स्पेशल वोट करने के लिए अपील करे वगैरह, एक तो ये इलेक्शन कमीशन का विषय है किसको करना है। लेकिन मुझे चिंता मायावती की कम है, क्योंकि अब वो डूबती हुई दी नहीं आए बचने के लिए मुसलमान को सहारा ढूंढती हो, मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूँ। मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले, 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है? अगर ऐसी बात किसी ने हिंदू समाज के लिए बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते, कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते, कितने सिग्नेचर वाले निकल आते। ये जमात चुप क्यों है? देश के लिए चिंता का विषय है ये जमात, और आपसे भी मेरा आग्रह कि ऐसी जमात को अब एक्सपोज करने की जरूरत है। किस प्रकार की सिलेक्टिव क्यों है? क्या इससे उनके सेकुलरिज्म को कोई चोट नहीं पहुंची? क्या ये उनके सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने वाली चीज थी? क्या इनके सेकुलरिज्म को ताकत? इसलिए सबसे बड़ा खतरा ये नकाबी लोग हैं ना, उनका है। मायावती भी तो मजबूरी है, कैसे भी करके बचना है तो वोट मांगने के लिए इधर उधर कोशिश करती रहेगी। और संदीप बोल हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर पर। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि मायावती की जो नाव डूब रही है और उस डूबती हुई नाव को बचाने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए मायावती का जिस तरीके का बयान आया है, अगर हम लोग बात करें कि अब तक जितनी भी बार मायावती को हमने बयान देते हुए सुना है वो कभी भी अपने से नहीं बोलती हैं, बाकायदा ये लिखित बयान होता है, लिखित बयान ही पढ़ती हैं। तो ऐसे में अगर वो मुसलमानों को सीधे तौर पर महागठबंधन को वोट करने की बात कह रही हैं तो इसका मतलब ये था कि वो पहले से ही इसको लिख कर लेके आई हैं और जिसको बोलना था। हालाँकि उनके साथ जो दो और सहयोगी थे उन्होंने इस बारे में जिक्र नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने इसका संज्ञान लिया है क्योंकि ये जो महागठबंधन है सीधे तौर पर उत्तर देश के उन तीन वोट बैंकों पर जो है सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि किसान आता है, दलित आता है और तीसरा मुस्लिम वोट है। तो ऐसे में उस मंच से इस तरीके का बयान देना सीधे तौर पर जो है ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की नज़रों में ज़रूर है ये चीज़ें। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके की बात की, क्योंकि हम लोग अगर पिछले राजनीतिक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा जो है यही दो राजनीतिक दल थे जो एक दूसरे को एक आँख नहीं सुहाते थे और आज जो है एक ही मंच पर खड़े होकर बीजेपी के खिलाफ जो है अब चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये बात तो साफ है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में साफ किया है कि ये इनकी जमीन खिसक चुकी है और उसी का नज़ारा जो है वो दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि इस तरीके का राजनीतिक दल, ऐसे दो धुर विरोधी राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जो कि एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ जो है कोसा करते थे, वो जो है अब एक साथ एक मंच में है। तो ये सीधे तौर पर साफ इंडिकेशन है कि उनको लग रहा है कि इस वक्त बीजेपी उनके जो है सकते हैं कि पूरी टक्कर में है और टक्कर देने के लिए ही ये सारे दल जो है एक साथ आके खड़े हुए हैं। और यही वजह है कि क्योंकि वहाँ पे कास्टिज्म जो है, जातिवाद पर वोट जो है पड़ता रहा है शुरू से ही, और ऐसे में अब इन वोट बैंक को कैसे साधा जाए और जो उनका जो छिटका हुआ वोट बैंक था उस वोट बैंक को दोबारा कैसे हासिल किया जाए, उसके मद्देनज़र ही इस बयान को देखा जा सकता है। पहले भी बता दूँ कि मायावती जो है वो हमेशा से ही पढ़ा हुआ लिखा हुआ बयान पढ़ती हैं, वो अपने आप से बहुत कम बयान जो है इस तरीके की रैलीज में देती हैं। तो ये बात तो साफ है कि इस तरीके से पहले से ही ये स्क्रिप्टेड था और स्क्रिप्ट में ये बात लिखी गई थी कि इस तरीके से अपील करनी है। तो अब इलेक्शन कमीशन इसको पूरी तरीके से संज्ञान में लेकर अगर वो कोई कार्रवाई करता है, वो कोई नोटिस भेजता है, वो एक आध दिन में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इनकी ज़मीन खिसक चुकी है और वो जो है कहीं ना कहीं इस तरीके की रैलियों में देखने को मिल भी रहा है कि दो ऐसे धुर विरोधी दल जो है एक साथ एक ही मन से जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जो कि एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ अपशब्द कहने के लिए ही जाने जाते थे उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी अनुराग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे,
प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि मायावती खुद को बचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, लेकिन अनुराग इस बात से भी हम नकार नहीं सकते कि प्रधानमंत्री मोदी ये मानते हैं कि उनका मुकाबला सीधे सीधे महागठबंधन से है और इसके चलते इतना मायावती पर हमलावर दिखे प्रधानमंत्री मोदी। देखिए बिल्कुल इस बात से तो इनकार हो ही नहीं सकता है कि महागठबंधन और बीजेपी के बीच आर पार का मुकाबला उत्तर प्रदेश में है। इस वक्त जो स्थिति बन गई है सपा बसपा और आरएलडी के गठबंधन के बाद वो सीधे बीजेपी के साथ लड़ाई में है। लेकिन आप इस जो प्रधानमंत्री का ये बयान है जो इंटरव्यू में उन्होंने बोला, आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि उनका पॉलिटिकल सेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत अच्छा है। और अगर आप वेस्टर्न यूपी की बात करें तो कास्ट लाइन पर पूरी तरह से डिवाइडेड है वेस्टर्न यूपी। मायावती की अगर बात करें तो वो समझती हैं इस बात को कि जो कास्ट लाइन पर जो सपा और बसपा का जो वोट बैंक है और आरएलडी का जो वोट बैंक है, अगर उसके साथ मुस्लिम वोट जुड़ जाए तो वो एक विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है। और इसीलिए मायावती ने सोच समझकर ये बयान दिया। और प्रधानमंत्री मोदी अब जो टारगेट कर रहे हैं मायावती को, वो इसी विश्वास के साथ टारगेट कर रहे हैं कि अगर वो इस कास्ट लाइन को ब्रेक कर लें तो फिर बीजेपी एक विनिंग प्रपोजिशन दे सकती है, एक विनिंग ऑप्शन दे सकती है। तो वो कास्ट लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं जब वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम से वोट मांग करके मायावती सांप्रदायिक बिहेवियर अपना शो कर रही हैं, मायावती कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रही हैं। वो एक लार्जर जो हिंदू वोटर है उसको एक मैसेज देना चाहते हैं कि कास्ट लाइन से ऊपर होकर के वोट करें और मायावती को सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए। तो अगर ऐसा होता है, अगर वो इस कास्ट लाइन को ब्रेक कर पाते हैं तो वो बीजेपी के लिए खासा फायदेमंद हो सकता है। और यही एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश है इस जवाब में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग और संदीप आपका इन तमाम जानकारी के लिए।